ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए एशिया के सबसे बड़े जैव संयंत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं टेरी के निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश में कूड़े कचरे का प्रबंधन एक बड़ी समस्या रही है और ये समस्या सुलझे, इसका समाधान हो, इसके लिए हमने देखा कि पिछले कुछ समय में कचरे के प्रबंधन और इससे ऊर्जा, खाद और अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल हो सके, इस मामले में उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें सरकार के प्रयास हैं, नगर निगम, नगर पालिकाओं ने कई पहल की हैं और इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम कर रही कई संस्थाएं हैं उन्होंने, और कई एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने प्रयोगों और पहल प्रयास के साथ साथ इस काम को आगे बढ़ाया है, जिससे कि देश में कचरे के निस्तारण और वेस्ट मैनेजमेंट को हम उसके लक्ष्य को पा सकें। और आज हमने एक ऐसा ही उदाहरण देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश इंदौर के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया और रोजाना निकलने वाले शहर के 550 मैट्रिक टन गीले कचरे से लगभग 17-18 हजार किलो कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी पैदा की जाएगी और 100 टन जैविक खाद पैदा होगी। ये एशिया का सबसे बड़ा इस तरह का बायो सीएनजी प्लांट कहा जा रहा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट और इस बायो सीएनजी प्लांट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं टेरी संस्था के निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे। डॉक्टर पांडे, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से जो प्रबंधन और ट्रीटमेंट किया जाए, उससे ऊर्जा मिले, तो ऐसे में ये प्रयास और ये प्रयोग, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, बायो सीएनजी प्लांट जैसा प्रयोग कैसे इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है देश में, और जो है इंदौर ने फिर एक बार दिखाया कि इस तरह से कचरे का प्रबंधन कैसे हरित तरीके से किया सकता है। अगर हम अपना कचरा देखें जो शहरों से पैदा होता है, जनरेट होता है, उसमें 50% जो है वो हरा कूड़ा होता है, ग्रीन वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। और ये ग्रीन वेस्ट जो है बड़ी आसानी से इस तरह के रिसोर्सेज में बदला जा सकता है, या तो हम उसे खाद बना सकते हैं या उसे बायोगैस, अगर हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो बायोगैस और खाद दोनों बना सकते हैं। और इससे क्या होता है कि पर्यावरण की हानि भी नहीं होती है, कचरा इधर उधर बिखरता नहीं है, और जो पॉल्यूशन और न्यूसेंस का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है। इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से आपने जैसे कि चर्चा की कि जो 50% भाग है वो एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है कचरे का, जो कि गीला कचरा जिसे हम कहते हैं, और इस कचरे को हम आसानी से इसका निपटारण कर सकते हैं और लैंडफिल साइट्स पर जो पहुंचने से सड़ता है उससे जो ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं उससे निजात मिल सकती है और इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जाता है, शोध कहते हैं कि 90-95% कचरा ऐसा है जो ट्रीट हो सकता है, जिसमें कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका बहुत बड़ा भाग है, प्लास्टिक वेस्ट भी है और गीले कचरे की तो अभी हमने चर्चा की ही। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट की क्या क्या तकनीकें अभी हैं और इनसे किस तरह से इस हद तक हम 90-95% तक कचरे को ट्रीट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि 50% जो है शहरों से निकलने वाला कूड़ा ग्रीन वेस्ट होता है, 10-15% जो होता है वो रिसाइकलेबल होता है, जिनको हम पुनर्चक्रित या रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसमें जो मुख्य वेस्ट की वो स्ट्रीम्स हैं वो है पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल कैंस वगैरह हैं। तो ये अगर हम अलग से कलेक्ट करें, इसको हम कंटेमिनेट न करें, तो इसको बहुत आसानी से कलेक्ट करके रिसाइकल करता है। 25-30% कूड़ा जो बचा हुआ है वो होता है हमारा मलबा, या जो है सड़कों की सफाई जो होती है, वो बाकी 25-30% कूड़ा होता है, जिसको फिर से हम अगर सेग्रीगेट कर प्रॉपरली करें और उसको दूसरे वेस्ट से कंटेमिनेट नहीं करें तो वो कंस्ट्रक्शन में हम यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से उसको अलग रख के। तो इस तरह से 95% कूड़ा हमारा बहुत रोबस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम है और हर कूड़ा जो है जहां जहां जनरेट हो रहा है वहां अलग से कलेक्ट हो रहा है, तो हम आसानी से उसको साइकिल कर सकते हैं, आसानी से उससे उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पांडे, जब कचरे के ट्रीटमेंट की बात आती है तो उसमें एक बहुत अहम पहलू होता है वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कचरे को अलग थलग करके उसकी प्रोसेसिंग हो, उसमें से मेटल, ऑर्गेनिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को अलग अलग किया जाए। तो इस मामले में जो मैकेनाइज्ड सेग्रीगेशन की तकनीकें हैं, थोड़ा उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। घर के लेवल पे या इंस्टीट्यूशन के लेवल पे हम नियम ये एक्सपेक्ट करता है कि हम 3 बेसिक कैटेगरीज में उनको सेग्रीगेट करें, उसके बाद ये वेस्ट जो जब फर्दर जिसको हम मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बोलते हैं वहां जाता है, तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको फर्दर इसको सेग्रीगेट करते हैं। जैसे पेपर है तो उसमें कई क्वालिटी के पेपर होते हैं, प्लास्टिक है उनको भी जो है उनके पॉलीमर के हिसाब से अलग अलग प्लास्टिक में सेग्रीगेट करते हैं। उस सेग्रीगेशन को अगर कई बार क्या होता है कुछ कंट्रीज में जहां लेबर उतना अवेलेबल नहीं होता है तो उस तरह का सेग्रीगेशन, उस तरह की सॉर्टिंग हम ऑटोमेटिक मशीन से करते हैं जिनको मैकेनाइज सेग्रीगेशन कहते हैं। मैकेनाइज सेग्रीगेशन वहां भी कर सकते हैं जहां किसी वजह से वेस्ट मिक्स जनरेट हो रहा है, सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है, वहां फिर हमको जो है उसको सेग्रीगेट अगर प्रोसेसिंग प्लांट पर ले जाना है तो
हमको मैकेनाइज सेग्रीगेशन की जरूरत पड़ती है। होता क्या है कि अगर हम मिक्स्ड वेस्ट को मैकेनाइज सेग्रीगेशन करें तो हमारी कॉस्ट जो है वेस्ट मैनेजमेंट की बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें फिर मैकेनाइज सेग्रीगेशन का जो कॉस्ट होता है वो भी ऐड हो जाता है। तो डॉक्टर पांडे, जैसे बायो सीएनजी प्लांट अभी इंदौर में स्थापित हुआ आज, इस तरह के प्लांट किस तरह से काम करते हैं और कैसे प्रोसेसिंग के जरिए खाद तैयार की जाती है, और जैसे कि कहा जा रहा है कि 17-18 हजार किलो के आसपास सीएनजी इससे पैदा होगी, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत मिलेगा शहर को, इस मामले में इन जो वेस्ट से ऊर्जा का कन्वर्जन है वो कैसे है? इसमें क्या होता है, जैसा हमारा साधारण बायोगैस प्लांट होता है, पुराने समय में हम लोग गोबर बेस्ड बायोगैस प्लांट यूज करते थे, तो इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वेस्ट को जो है अपना फूड सोर्स यूज करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बायोगैस। ये बायोगैस जो है इसमें करीब 40-50% मीथेन होता है, बाकी का नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस होती हैं ट्रेस में। और इस मीथेन को हम क्या करते हैं कि बायो सीएनजी प्लांट पे जो प्लांट ऑपरेटर होते हैं इसको फर्दर प्यूरिफाई करते हैं, और फर्दर प्यूरिफाई करने का मतलब है कि उसमें मीथेन कंटेंट 45-50% से इंक्रीज करके उसको 90% या 95% तक कर देते हैं, और वो 95% रिच जो बायोगैस होती है उसको हम बायो सीएनजी बोलते हैं। और बायो सीएनजी का मतलब कि ये जो है बायोलॉजिकल सोर्स से सीएनजी प्रोसेस हुई है, और इसका प्रॉपर्टीज और इसकी फ्यूल वैल्यू सारी जो है वो अपनी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड सीएनजी होती है उसके अनुरूप ही होती है। तो जो भी यूसेज फॉसिल फ्यूल बेस्ड सीएनजी का है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट फ्यूल में यूज करते हैं या इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, उसी तरह से इस बायो सीएनजी को भी आप ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हो एज ए फ्यूल, और इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो बॉयलर वगैरह ऑपरेट कर। तो डॉक्टर पांडे, ऊर्जा की आपने बात है, तो ऐसे में जो कचरा है वो किस तरह से ग्रीन एनर्जी का सोर्स बन सकता है और कितना बड़ा स्रोत बन सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से शहर हैं, उन शहरों से बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है, तो किस तरह से ऊर्जा की संभावनाएं इससे खुल जाएंगी? ये बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है, क्योंकि हम अगर देखें देश में साल में औसतन अराउंड 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है, और ये सारा ग्रीन वेस्ट अगर अलग से सेग्रीगेट करके और इसको तरह के प्रयोगों में यूज किया जाए, जहां या तो हम खाद बनाए, जहां छोटे प्रोजेक्ट्स हो वहां खाद बनाए, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स हो वहां बायोगैस एंड बायो सीएनजी बनाए, तो ये बहुत हद तक जो है हमारी ऊर्जा रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, स्पेशली शहरों में जहां हम बसें वगैरह जो है सीएनजी पे चला रहे हैं वहां, या इंडस्ट्रीज हैं जो जीवाश्म ईंधन यूज कर रही हैं वहां पे जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। डॉक्टर पांडे, आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे ये बायो सीएनजी प्लांट है, इस तरह के जो प्लांट लगेंगे और जो पूरा वेस्ट प्रोसेसिंग का ये कार्यक्रम है, इसमें बहुत सी रोजगार की संभावनाएं हैं, और हम देख भी रहे हैं कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और बहुत से उद्यमी हैं वो इस क्षेत्र में रोजगार तलाश रहे हैं और उन अवसरों को ढूंढ रहे हैं और नए प्रयोगों से वो अवसर प्राप्त भी कर रहे हैं, जिन्हें शायद ग्रीन जॉब कहा जाता है। तो रोजगार की कैसी संभावनाएं हैं, किस तरह से युवा इसमें रोजगार तलाश सकता है? बिल्कुल, ये एक्चुअली वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट प्रोसेसिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट से वैल्यू ऐड करना, ये सारा जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन हैं, और इसमें जो भी जॉब जनरेट होते हैं इनको हम ग्रीन जॉब बोलते हैं। और एक स्टडी रिपोर्ट आई थी बीच में जिसमें ये कंपेयर किया गया था कि अगर हमको 10,000 टन वेस्ट जैसे हम डिस्पोजल साइट पे भेजते हैं तो उसमें कितनी जॉब जनरेट होती है, और अगर हम सेम 10,000 टन को रिसाइकलिंग प्लांट पे ले जाते हैं तो कितनी जॉब जनरेट होती है। तो उस हिसाब से स्टडी ये कहती है कि अगर हम 10,000 टन डिस्पोजल साइट पे ले जाते हैं तो उसमें करीब 6 जॉब जनरेट होती है, और अगर हम वही 10,000 टन रिसाइकलिंग प्लांट पे ले जाते हैं तो 36 जॉब जनरेट होती है। तो जॉब भी 6 गुना ज्यादा जनरेट हो रही है, और ये जो जॉब जनरेट होती है ये भी हायर वैल्यू जॉब होती है, मतलब जो 6 लोग जो वेस्ट डिस्पोजल में लगे हुए थे उनको जितने पैसे मिल रहे थे उसे ज्यादा पैसे उनको मिलते हैं जो रिसाइकलिंग के जॉब में लगे होते हैं। तो एक तो जॉब ज्यादा जनरेट होती, दूसरे हाई वैल्यू जॉब जनरेट होती, और तीसरे क्योंकि ये वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस है इसलिए ये ग्रीन जॉब्स होती हैं। डॉक्टर सुनील पांडे, आप चर्चा में जुड़े और महत्वपूर्ण विचार और जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एशिया के सबसे बड़े जैव संयंत्र पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे टेरी के निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।